Hello students, in the last video we have completed the signal flow graph. Okay, in today's video we will start with the time response analysis. Okay, now in time response analysis we have to study two things. First is first order system and second is second order system. Okay, but before studying the first order system and second order system, we need to study what is system. Okay, we have discussed about the system in the first video, but we will discuss it again. Okay, so what is system? System kya hota hai? Okay, so system is just like a processor. When you provide the input to the system, you will receive the output. Okay, now ab agar main system ke input ko xt se denote karu and system ko agar main tt se denote karu and system ke output ko agar yt se denote karu, to हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, दैट yt इज इक्वल टू xt कॉन्वॉल्व विथ tt. ओके, जो सिस्टम का आउटपुट होता है आपका, वो सिस्टम के इनपुट और सिस्टम का कॉन्वोल्यूशन होता है. ओके, फिर हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था, तो ys इज इक्वल टू xs इनटू ts. सो ts इज ys अपॉन xs. And TS is called transfer function of the system. So transfer function is the ratio of output Laplace transform divided by input Laplace transform with all the initial conditions are zero. Okay. So यहाँ पर अगर मैं system के output को फिर से analyze करूँ, detail में analyze करूँ, so जो system का output है, system का response है, actual में उसके दो parts होते हैं. एक होता है आपका transient part जो कि time के साथ vary करता है, और एक होता है आपका स्टडी स्टेट पार्ट जो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है. बेसिकली हमें टाइम रिस्पांस एनालिसिस में ट्रांजिएंट पार्ट एंड स्टडी स्टेट पार्ट का ही डिटेल में एनालिसिस करना है. ओके, तो ट्रांजिएंट पार्ट आपका क्या है? वेरिएबल, वेरी करेगा आपका टाइम के साथ. ओके, वेरीज विथ टाइम. एंड स्टडी स्टेट पार्ट क्या है आपका? कॉन्स्टेंट है, इट विल नॉट वेरीज विद द टाइम. ओके, मीन्स अगर एक बार आपने स्टडी स्टेट अचीव कर लिया तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर करूं, वाई टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी टी यू टी, तो यहां पर जो आपका रिस्पांस है वो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज ए ई की पावर माइनस बी टी यू टी. नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट हियर what is steady state part and what is transient part of the response. Okay, so steady state part calculate karna bahut easy hota hai. Hum jante hain ki steady state part jab achieve ho jata hai to fir hamesha hi output aapka constant rehta hai. To hum kya kar sakte hain? We can calculate steady state part at t tends to infinity, means yt at t tends to infinity. To usse kya ho jayega aapka? Agar suppose kariye स्टडी स्टेट आपका t इक्वल टू 100 पे अचीव हुआ होगा, तो t टेंड्स टू इनफिनिटी पे भी आपका आउटपुट क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा. आपका क्या रहेगा? स्टडी स्टेट ही रहेगा. ओके, सो सेफ साइड के लिए हम लोग t टेंड्स टू इनफिनिटी पर कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, सो यहां पर t टेंड्स टू इनफिनिटी पर e की पावर माइनस इनफिनिटी क्या होता है आपका? जीरो. सो स्टडी स्टेट पार्ट क्या हो जाएगा? वाई एस एस इज इक्वल टू जीरो. ओके, और हम लोग जानते हैं कि जो आपका वाई टी होता है वो स्टडी स्टेट पार्ट एंड ट्रांजिएंट पार्ट का एडिशन होता है. ओके, अगर स्टडी स्टेट पार्ट जीरो है तो वाई टी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट पार्ट के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दिस वाई टी इक्वल टू वाई टी आर टी. ओके, सो ट्रांजिएंट पार्ट है हमारा ए ई की पावर माइनस बी टी यू टी. ओके, सो यहां से जो कंक्लूजन है वो क्या है? अगर आप इक्वेशन को फिर से आइडेंटिफाई करें तो आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म था, मतलब कोई और दूसरा टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं था. तो आप देखेंगे अगर सिर्फ एक टर्म है और वो एक टर्म जो है आपका वो टी पर डिपेंड कर रहा है. आप देखिए यहां पर क्या है, ई की पावर माइनस बी टी, मींस आपका टर्म जो है वो टी के साथ चेंज हो रहा है. और हम लोगों ने डेफिनेशन अभी अभी देखी है लास्ट स्लाइड में कि अगर आपका कोई टर्म टी के साथ चेंज हो रहा हो, टाइम के साथ वेरिएबल हो, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पार्ट. ओके, सो यहां पर आपका स्टडी स्टेट पार्ट क्या था? जीरो था. ओके, एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं. यहां पर सपोज करिए आपका जो आउटपुट है, आपका जो रिस्पांस है वाई टी, वो है ए
1 minus e ki power minus bt ut. Okay. Now, agar main fir se ab yss calculate karu, that means yt at t tends to infinity. To aapka answer kya ho jayega yahan par? Ye e ki power minus bt wala jo term hai, e ki power minus infinity, kya hota hai? Zero. To answer kya bachega? Sirf aur sirf aapka a bachega. Obvious si baat hai, a into ut bachega, but ut jo hota hai t tends to infinity par kitna hota hai aapka? 1 hota hai. To answer kya ho jayega aapka? A hi ho jayega. Okay. Now, ab agar main baat karu transient part ki, to transient part kya hoga aapka? Minus a e ki power minus bt ut. Okay. So, is tarah se aapka answer calculate ho jayega yahan par. Okay. So, aap clearly dekh sakte hain, steady state part mein t ka koi term nahi hai. But transient part में t का term आपका है, तो आपको ये calculation करने की भी जरूरत नहीं है. आपको जो भी yt का equation given है, उसमें आप देख लीजिए कौन सा term आपका constant है, वो आपका steady state होगा. जैसे यहाँ पर क्या था, 1 into a, और कौन सा term आपका time पे depend कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, transient हो जाएगा. Okay, so इस तरह से आप calculation कर सकते हैं steady state part and transient part की in a system. Okay, so हमारा जो time response analysis जो topic है, उसमें हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो ट्रांजिएंट पार्ट एंड स्टेडी स्टेट पार्ट पर ही रहेगा. ओके okay?